नमस्कार, मैं मोहम्मद अनवर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसलमेर। आज सभी का स्वागत करता हूँ इस ई लर्निंग क्लास में। और आज के इस लेक्चर में हम एक प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि वॉइस कंट्रोल सिस्टम यूजिंग आर्डिनो, यानी एक सिस्टम को हम कैसे वॉइस कमांड से कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट। सो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक स्मार्टफोन है और एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है और एक आर्डिनो उनो बोर्ड यहाँ पे है। सो जब हम यहाँ पे वॉइस कमांड देते हैं, यानी वॉइस सिग्नल देते हैं, तो जो स्मार्टफोन है उसमें एक एंड्रॉइड बेस एप्लीकेशन होती है जो कि क्या करता है कि जो वॉइस सिग्नल है उसको एक मैसेज में कन्वर्ट कर देता है। देन दिस मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू दिस ब्लूटूथ मॉड्यूल, एंड ये ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है उस मैसेज को रिसीव करता है एंड इसको माइक्रो कंट्रोलर में पास करता है। एंड अगेन जो माइक्रो कंट्रोलर है वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन उस पर प्रोसेस करेगा और इन एलईडीज को जो है वो ऑन ऑफ करेगा। सो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट बनाने में, कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो जैसा कि हम डायग्राम में देख चुके हैं, हमें एक आर्डिनो यूनो बोर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी और उसको अपलोडिंग के लिए कनेक्शन वायर एंड डेफिनेटली एक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको अपलोड करने के लिए। एक ब्लूटूथ मॉड्यूल SC05 या SC06 हम काम में ले सकते हैं। एलईडीज, एंड चूंकि एलईडीज जो है वो करंट ड्रिवन एलिमेंट होता है, सो उसमें जाने वाली करंट को लिमिट करने के लिए उसके सीरीज में हम 220 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे। एक स्मार्टफोन की आवश्यकता होगी और उसके अंदर जो है हमको प्ले स्टोर से आर्डिनो ब्लूटूथ वॉइस कंट्रोलर ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा। और फॉर टेम्परेरी कनेक्शन वी रिक्वायर द ब्रेडबोर्ड एंड सम कनेक्टिंग वायर। नाउ वी डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और एलिमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल। सो ये एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो कि जो फोन है उस के ब्लूटूथ से कम्युनिकेट करेगा, वायरलेस कम्युनिकेशन करेगा, जिसकी रेंज करीब 10 मीटर के हम आसपास मान सकते हैं। और इसमें 6 पिन यहाँ पे शो की गई है। जो पहली पिन है दैट इज एनेबल की, जो कि टॉगल करती है यानी स्विच करती है बिटवीन द टू कीज, यानी डेटा मोड और कमांड मोड में स्विच करने के लिए इस पिन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस पिन को मैं अगर लो करता हूँ तो वो डेटा मोड में चला जाएगा जो मॉड्यूल है आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल, एंड इस पिन को जब मैं हाई करूँगा तो वो कमांड मोड में चला जाएगा। जो सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर पिन है दैट इज +5 वोल्ट के लिए और ग्राउंड पिन है, और जो फोर्थ और फिफ्थ है वो सीरियल डेटा कम्युनिकेशन के लिए यानी ट्रांसमिशन के लिए फोर्थ पिन, एंड सीरियली रिसीविंग द डेटा के लिए जो है वो फिफ्थ पिन है। सिक्स पिन जो है वो स्टेटस चेक करने के लिए होती है, यानी कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है तो हम इस पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो देर इज LED जो कि इंडिकेशन पर्पज के लिए काम में ली जाती है, और एक सिंपल सा इसमें एक इंडिकेशन होता है कि जब ये ब्लूटूथ मॉड्यूल स्मार्टफोन से कनेक्ट नहीं होता है तो ये बहुत फास्ट ब्लिंक करती है, और जैसे ही ये ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है वो स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है तो ये उसका जो ब्लिंकिंग है वो कंपेरेटिवली स्पीड जो है वो काफ़ी डाउन हो जाती है। तो इससे हम ये इंडिकेशन ले सकते हैं कि जो आपका मॉड्यूल है ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो फ़ोन की ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है। एंड ये एक यहाँ पे एक स्विच बटन यहाँ पे प्लेस होता है जो कि इसको रीसेट करने में काम में लिया जा सकता है। नाउ वी सी कि जैसा कि हमने देखा कि एनेबल पिन से हम जो उसके मोड को चेंज कर सकते हैं। सो कमांड मोड और ऑपरेटिंग मोड में, जब कमांड मोड में हम ब्लूटूथ को ऑपरेट करवाते हैं सो उस केस में इसका जो पासवर्ड है, इसका जो नेम है और इसकी जो ऑपरेटिंग मोड रेट है यानी सिग्नल किस रेट से ट्रांसमिट हो रहे हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट इसका जो नेम है जो कंपनी से हम परचेज करते हैं तो डिफॉल्ट इसकी सेटिंग जो है, अगर ये SC05 मॉडल है सो इसका जो नेम है वो SC05 होगा। पासवर्ड जो है वो या तो 0000 या 1234 होगा, एंड डिफॉल्ट जो बॉड रेट होगी वो 9600 होगी।
ये एक डिफॉल्ट सेटिंग है, जनरली हम इसमें चेंजेस नहीं करते हैं। सो वी यूज दिस मॉड्यूल इन द ऑपरेटिंग मोड, यानी हम जो है वो डेटा को सेंड और रिसीव कराते हैं बिटवीन द माइक्रो कंट्रोलर एंड टू दिस ब्लूटूथ मॉड्यूल। सो बिफोर डिस्कसिंग द सर्किट और द कनेक्शन डायग्राम ऑफ द प्रोजेक्ट, एक चीज यहाँ पे हमको ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम अपना प्रोग्राम या कोड आर्डिनो यूनो बोर्ड पे अपलोड करना होगा, उस केस में जो RX और TX पिन है उसको हमको डिसकनेक्ट करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी जो अपलोडिंग है वो नहीं हो पाएगी। सो बिफोर अपलोडिंग हम RX और TX पिन जो है वो इसको डिसकनेक्ट कर देंगे, एंड आफ्टर द सक्सेसफुल अपलोडिंग हम वापस जो है अपनी जो ये पिन जो है वो प्रोजेक्ट में कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज अ कनेक्शन डायग्राम, और इस कनेक्शन डायग्राम में जैसा कि हम देख सकते हैं कि देर इज एन स्मार्टफोन विद एन एप्लीकेशन आर्डिनो बेस्ड वॉइस कंट्रोल एप्लीकेशन, जो कि हम इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे वॉइस सिग्नल आएगा, वॉइस सिग्नल जो है वो इस स्मार्टफोन में मौजूद जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन से ये जो वॉइस सिग्नल है दैट इज चेंज इन दी मैसेज, यानी स्क्रिप्ट की फॉर्मेट में या मैसेज की फॉर्मेट में ये चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने कहा बोथ LEDs ऑन, सो मैंने ये बोला है एंड यहाँ पे जो है इसका एक मैसेज टाइप हो जाएगा बोथ LEDs ऑन, और ये जो मैसेज है वो यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्मेट में यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाएगा, जो कि इस मॉड्यूल से रिसीव किया जाएगा। एंड इसके बाद ये जो मैसेज है वो ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है वो माइक्रो कंट्रोलर को पास करेगा, एंड अगेन जो माइक्रो कंट्रोलर है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम ये चेक करेगा कि इस मैसेज के अकॉर्डिंग क्या मुझे एक्शन लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे दो जो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स हैं उसको मैंने दो LEDs से यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, तो जैसे ही मैसेज मैंने दिया कि बोथ LEDs आर ऑन या बोथ LEDs ऑन, सो ये प्रोग्राम में ऐसा मैसेज ऑलरेडी होगा, तो वो उससे कंपेयर करेगा। अगर ये मैच करता है हमारे वॉइस कमांड से, सो ये दोनों LEDs जो है वो ऑन हो जाए। और कोई वॉइस सिग्नल जो है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि जो बोथ LEDs ऑफ, सो ये अगेन जो है वॉइस सिग्नल कन्वर्टेड इनटू मैसेज बाय दिस स्मार्टफोन एंड ट्रांसमिटेड बाय दिस फोन एंड रिसीव बाय दिस मॉड्यूल, एंड अगेन जो है वो माइक्रो कंट्रोलर इसको प्रोसेस करेगा एंड जो है एक्टिवेटिंग सिग्नल यहाँ पे पास करेगा, और जिसकी वजह से दोनों LEDs जो है वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगी। सो यहाँ पे LEDs जो है वो एक इंडिकेशन पर्पस के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है। सो इसकी जगह कोई और लोड हो सकता है, जो कि अगर 230 लोड कनेक्शन है तो उसके उसके लिए हम यहाँ पे रिले मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिले मॉड्यूल से हम कोई भी 230 जो वोल्ट का जो लोड है वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे फैन है, कोई भी लाइट है, और अदर जो लोड है यहाँ पे इजीली कनेक्ट किया जा सकता है। सो नाउ वी सी यहाँ पे कनेक्शन जो है वो किस तरह से किया गया है। सो जैसा कि हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल की पिन्स को देखा था कि दो पिन जो है वो पावर सप्लाई के लिए है, तो ये 5 वोल्ट और ग्राउंड जो है हमने यहाँ पे जो आर्डिनो उनो बोर्ड होता है उसकी 5 वोल्ट और ग्राउंड से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। एंड सो जैसा कि हम देख सकते हैं इन द डायग्राम की जो TX पिन है दैट इज कनेक्टेड टू द 11 नंबर डिजिटल पिन ऑफ द आर्डिनो बोर्ड, एंड जो RX पिन है इस ब्लूटूथ मॉड्यूल की उसको हमने यहाँ पे 10 नंबर पिन पे कनेक्ट किया गया है। और इसी तरह से जो 2 और 3 नंबर जो पिन है उसको हमने यहाँ पे LEDs के कनेक्शन में कनेक्ट किया, जिनके जो एनोड पार्ट है उसको हमने एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करके, और इसका जो कैथोड है उसको हमने यहाँ पे आर्डिनो की ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। और इसी तरह से इस LED का जो एनोड है उसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हुए इसका जो कैथोड टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर दिया है। सो यही हम जो नंबर ऑफ पिंस है वो हमको डिफाइन करना रहेगा इन द कोड, और जिसकी वजह से जो है प्रॉपर ये फंक्शनिंग करेगा। सो दिस इज द आर्डिनो कोड जिसको हमको आर्डिनो यूनो बोर्ड पे अपलोड करना रहेगा फॉर द सक्सेसफुल ऑफ द प्रोजेक्ट।
सो यहाँ पे जैसा कि हमने कहा कि जो आर्डिनो की जो सॉरी जो ब्लूटूथ मॉड्यूल की जो TX पिन है उसको हमने 11 नंबर पिन आर्डिनो की से कनेक्ट किया है, और इसी तरह से जो RX पिन है ब्लूटूथ मॉड्यूल की उसको हमने आर्डिनो बोर्ड के 10 नंबर पिन से कनेक्ट किया है। सो हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया है, एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग, और वेरिएबल का जो नेम है दैट इज वैल्यू, मीन्स जो मैसेज स्क्रिप्ट के फॉर्म में आएगा उसको टेम्प्रेरी स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक वैल्यू वैल्यू जो है टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी फाइल हमको इंक्लूड करना रहेगा दैट इज सॉफ्टवेयर सीरियल डॉट एच। इसका रीजन ये है कि हम जो कन्वेंशनल जो TX और RX जो पिन होती है आर्डिनो यूनो बोर्ड की उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो जो 10 नंबर पिन है और 11 नंबर पिन है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन उनको हम एज ए सीरियल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली हम सॉफ्टवेयर मैनर में इन पिन्स को एज ए सीरियली इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमको सॉफ्टवेयर सीरियल डॉट एच एक लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करना रहेगा। सो सॉफ्टवेयर सीरियल इज अ फंक्शन, और इस में हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया दैट इज अ ब्लूटूथ, एंड इसमें यहाँ पे हमने TXD और RXD जो हमने ब्लूटूथ की जो ट्रांसमिशन पिन है उसको जो हमने 11 नंबर पिन पे कनेक्ट किया है दैट हैज बीन प्लेस्ड, एंड जो ब्लूटूथ की रिसीवर पिन है उसको हमने 10 नंबर पिन पे यहाँ पे कनेक्ट किया है। सो दिस इज अ फंक्शन। सो जैसा कि हम जानते हैं कि जो आर्डिनो का जो कोड होता है वो दो मैनर में होता है, एक तो वॉइड सेटअप और दूसरा वॉइड लूप। वॉइड सेटअप में उन चीजों को हम डिफाइन करते हैं जो कि वन टाइम डिफाइन करनी होती है, और वॉइड लूप में उन चीजों को बार बार सॉरी उन चीजों को डिफाइन करते हैं जिनको हम बार बार मुझे चेक करना है या रिपीटेटिव मैनर में उनको प्रोसेस करवाना है। सो वॉइड सेटअप में हमने क्या किया है, जैसा कि हमने कहा था कि 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन पे हमने LEDs कनेक्ट किया है, तो 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन को हमने आउटपुट यहाँ पे उसको बना दिया। तो पिन मोड इज अ फंक्शन ब्रैकेट 2 यानी 2 नंबर जो पिन है ऑफ आर्डिनो बोर्ड कोमा आउटपुट, यानी आउटपुट यहाँ पे पिन क्रिएट हो गई। इसी तरह से 3 नंबर पिन को हमने आउटपुट बना दिया है। सीरियल डॉट बिगिन जो है वो 9600 बोड रेट होगी, और ये सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए किया जाएगा। एंड ब्लूटूथ डॉट बिगिन क्योंकि हमने 10 और 11 नंबर पिन को एज ए सीरियल कम्युनिकेशन की तरह इस्तेमाल किया है, सो इसको भी हमको स्टार्ट करना रहेगा बाय दिस फंक्शन ब्लूटूथ डॉट बिगिन, एंड उसका जो बोड रेट होगी वो 9600 हमने यहाँ पे रखी है। सो नाउ वी डिस्कस द सेकेंड पोर्शन ऑफ द आर्डिनो कोड दैट इज अ वॉइड लूप सेक्शन। सो यहाँ पे एक फंक्शन है हमने यहाँ पे अप्लाई किया दैट इज अ ब्लूटूथ डॉट अवेलेबल, जो कि सीरियल पिन्स पे डेटा की अवेलेबिलिटी चेक करेगा, एंड अगर उस पे कुछ डेटा है तो वो उस डेटा को रीड करेगा, यानी ब्लूटूथ डॉट रीड स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग को रीड करेगा और इसकी जो वैल्यू है इस वेरिएबल में पुट कर देगा। नाउ वी अप्लाई अगेन अ सेकंड कंडीशन दैट इज इफ कंडीशन, एंड वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग अगर है बोथ लाइट्स ऑन, यानी जो रिसीव स्ट्रिंग है वो इस स्ट्रिंग से मैच करती है बोथ लाइट्स ऑन से, तो यहाँ पे हम एक कमांड पास करेंगे डिजिटल राइट फंक्शन से, यानी डिजिटल राइट एंड 2 नंबर पिन को जो है वो हाई कर देगा। इसी तरह से डिजिटल राइट 3 नंबर पिन को वो हाई कर देगा। अगर जो है स्ट्रिंग जो है बोथ लाइट्स ऑफ रिसीव होती है इसकी वैल्यू को ये चेक करता है इस इफ कंडीशन में, सो ये डिजिटल राइट कर देगा, इन दोनों पिंस को लो कर देगा। अगर हमने यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट कलर की दो LEDs यहाँ पे पुट किया है रेड और ग्रीन, और हम चाहते हैं कि रेड लाइट ऑन हो, तो यहाँ पे जब वॉइस सिग्नल दिया जाएगा रेड लाइट ऑन, और यहाँ पे हमने एक कंडीशन अप्लाई कर दी है कि इफ वैल्यू इज इक्वल टू इक्वल जो रेड लाइट ऑन, देन वो क्या करेगा जो 2 नंबर पिन है सपोज वो जो है रेड लाइट है तो उसको वो हाई कर देगा और 3 नंबर पिन को लो कर देगा। इसी तरह से अगर वॉइस कमांड ग्रीन लाइट ऑन दिया जाता है और अगर ये यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी तो उसकी वजह से जो 3 नंबर पिन है सपोज उस पे ग्रीन जो LED है वो लाइट कनेक्टेड है, तो डिजिटल राइट 3 कॉमा हाई यानी उस पिन पे वो हाई पुट कर देगा, एंड सेकेंड नंबर पिन जो है वो रेड लाइट उसको वो
ऑफ कर देगा। सो इस तरह से जो है हम अलग अलग, ये जो है टोटल आपका प्रोग्राम है जिसको हम लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पे इसको वेरीफाई, जब हम वेरीफाई करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेव एंड इसको कोई भी सिंटेक्स एरर है वो यहाँ पे शो कर देता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपाइलिंग स्केच, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी प्रोग्राम को स्केच कहा जाता है, सो ये प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो रहा है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है कंपाइल हो चुका है और इसकी जो जो भी स्टोरेज है वो यहाँ पे शो किया गया है। उसके बाद ये चीज हो जाने के बाद उसको हम जो आर्डिनो बोर्ड है उसको प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे, प्रॉपरली वो जो पोर्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे कि किस पोर्ट से सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड हम यहाँ पे कर देंगे तो प्रोग्राम जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो वंस द प्रोग्राम इज बीन अपलोडेड, उसके बाद हम यहाँ से लैपटॉप से या कंप्यूटर से इसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं एंड एक्सटर्नल पावर सप्लाई देके उस आर्डिनो बोर्ड पे जो है हम जो है प्रोग्राम उसमें प्रोजेक्ट के लिए परमानेंटली उसपे डंप हो जाएगा और परमानेंटली जो है वो सप्लाई अगर हम देंगे तो वो लगातार उस पर वर्क करता रहे। इस वीडियो लेक्चर को बनाने में मैंने इस पर्टिकुलर साइट पे अवेलेबल कनेक्शन डायग्राम एंड कोड को रेफर किया है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। आई आई थिंक आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। दिस इज वेरी स्मॉल एंड वेरी इफेक्टिव प्रोजेक्ट एंड इसमें काफ़ी सारे वेरिएशन पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी दिस ईमेल। थैंक यू वेरी मच।